महिलाओं के सम्मान के लिए किए जा रहे आयोजन में आज जबलपुर के धन्वंतरी नगर के परसवाड़ा क्षेत्र में टीआई भुवनेश्वरी चौहान के नेतृत्व में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं और बच्चों को जागरूक किया गया है कि वह अपने आप को किस प्रकार सेल्फ डिफेंस रखकर अपने आप को जागृत कर सकती है। वहीं टीआई भुवनेश्वरी चौहान ने महिलाओं और बच्चों को कानून के अधिकार के बारे में अवगत कराया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में महिलाएं व बच्चे जन उपस्थित रहे। हाँ जी, आज हम लोग यहाँ पर महिला सम्मान के लिए जो जिला स्तर पर चल रहा है, आदरणीय हमारी भुवनेश्वरी चौहान जो थाना प्रभारी संजीवनी थाना प्रभारी हैं, उनके द्वारा जो लगातार जो अभियान चलाया जा रहा है, आज हम जनसमस्या निवारण संस्थान की सारी टीम के द्वारा एक प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें मैडम जी यहाँ उपस्थित हुई परसवाड़ा पर। वहाँ पर आज हम लोगों ने महिलाओं को काफी समझाया, महिलाओं को समझाया हमने, इवन उनको काफी सारे जागरूक किया, मतलब बच्चों को कैसे हमें अपनी सेफ्टी करनी है बस उसकी सारी जानकारी दी गई। थैंक यू। मैं रानू शर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जन समस्या निवारण संस्था। मध्य प्रदेश में शासन की ओर से एक पहल की गई है, जिसमें नारी के सम्मान के लिए और असली हीरो के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें लोगों को अवेयर करना है, जिसमें सम्माननीय थाना प्रभारी, चौकी प्रभारी महोदय, धनवंती नगर, संजीव नगर और सामाजिक संस्थाओं से रानू जी, अचारी लोग, सारे लोग यहाँ पे सम्मिलित हो गए। बच्चों को अवेयर कर रहे हैं, ये बात तो ठीक है, गुड टच बैड टच सारी चीजें बच्चों को सिखाई गई, ये लोग जान रहे हैं, पर इसमें वास्तविकता में इन्वॉल्व हों, अपनी पहचान कर पाएं, अपनी सुरक्षा कर पाएं और समाज को सुरक्षित रखने और एक अच्छी नैतिकता के लिए प्रयास करने के लिए, मोबिलाइज करने के लिए किया गया। एक बड़ी पहल ये की गई संबंधित लोगों के द्वारा, संबंधित थाने के द्वारा, तो पुलिस कर्मियों ने भी इस बात का एक विशेष आयोजन किया कि जो भी बच्चे ऐसे अच्छी पहल करेंगे उनको सम्मानित किया जाएगा और निश्चित रूप में महिलाओं के संरक्षण के लिए और बच्चों के भविष्य के लिए कार्यक्रम जो हो रहा है इसकी पहल आज की गई और लगातार कई दिनों तक होना है और इसी के संबंध में आगे भी, अभी जैसे आज से कार्यक्रम है नशा मुक्ति का, तो सारे कार्यक्रम प्रशासन की ओर से किए जा रहे हैं, हम सब इसमें भागीदारी बनकर अपनी योगदान करें। हमारा बीच वो उसमें शामिल है, तो जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि जागरूकता और सजगता का बहुत व्यापक है, विस्तृत है बहुत ज्यादा, तो जो सेल्फ डिफेंस का है वो हम अलग से, हमारी ये वर्षा पटेल है हमारे थाने में, हम इनको लेकर के कभी आएंगे और एक अलग से कैंप हम सिर्फ सेल्फ डिफेंस का बच्चियों के लिए चलाएंगे, तो वो मेरे दिमाग में है, वो करेंगे हम, है ना। जो छोटी छोटी चीजें हैं सेल्फ डिफेंस की, हम जाएंगे तो 8-10 दिन का या तो इस तरह का अलग से शिविर करवा देंगे बच्चियों के लिए, रानू मैडम के भी सहयोग कर देंगे, तो वो सेल्फ डिफेंस का हमें करवाना है। तो वो छोटी छोटी चीजें हैं, जब आप कैसे सेफ्टी पिन से अपने आप को सेव कर सकते हो, कैसे आप अपनी अगर हाथे हो आप कैसे अपने उससे डिफेंस कर सकते हो। शरीर भी तभी काम करता है जब आपका मन ऑर्डर करता है कि यस, है ना। तो अपने को सबसे पहले तो मन से मजबूत बनना, दूसरा यही सेल्फ डिफेंस की बात है कि यहाँ खड़े भैया आप हमारा ये प्रदेश स्तर पे सम्मान अभियान अभी चल रहा है, जिसके अंतर्गत आज ये धन्वंतरी नगर में परसवाड़ा क्षेत्र है हमारा, यहाँ पर हमने जन समस्या निवारण संस्थान और मोक्ष संस्थान के साथ मिल करके एक अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए यहाँ पे एक शिविर आयोजित किया, जिसमें महिलाओं और बच्चियों को जागरूक किया गया है कि कैसे वो अपने आप को सेल्फ डिफेंस रख सकती है, कैसे जागरूक होकर अपने आप को बचा सकती है, और साथ ही पेरेंट्स को भी जागरूक किया गया कि वो अपने बच्चों को कैसे नारी का सम्मान किया जाता है, बचपन से लड़कों को कैसे सिखाया जाता है कि नारी से कैसे व्यवहार करे, लड़कियों से कैसे, इस तरह की चीजें यहाँ पे जागरूकता अभियान के अंतर्गत सिखाई गई है। ये हमारा धन्वंतरी नगर थाना संजीव नगर के अंतर्गत धन्वंतरी नगर में परसवाड़ा ग्राम कहलाता है। पास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।